जोड़ो यात्रा का राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश, पाटन उदयपुरी में हुई फ्लैग एक्सचेंज सेरेमनी। राहुल गांधी ने यात्रा को बताया मजदूरों और किसानों की यात्रा, बोले श्रीनगर में फहराएंगे तिरंगा, कोई शक्ति इसे नहीं रोक सकती। मुख्यमंत्री गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा को बताया आजादी के बाद की सबसे टफ, बोले पूरे देश की भावना को प्रदर्शित कर रही है यात्रा। कोरोना ने फिर डराया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज लेंगे बैठक, राज्यों को निर्देश सभी पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सिक्वेंसिंग कराएं। थाईलैंड में जंगी जहाज डूबा, दो दिन बाद 6 नौसैनिकों के शव मिले। गुवाहाटी में चट्टानों के बीच फंसे टाइगर का वन, कर्मचारियों ने ट्रैंक्विलाइज कर किया रेस्क्यू, उमानंद द्वीप पर छिपा था बंगाल टाइगर। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आज से, 27 दिसंबर तक चलने वाली परीक्षा में 12 लाख से ज्यादा युवा आजमाएंगे भाग्य। राहुल गांधी के सुझाव के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्य योजना की तैयारी में जुटी, पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी नेताओं के लिए फॉर्मूला किया तैयार। चित्तौड़गढ़ के गांव दादिया में माइंस के सुपरवाइजर के अपहरण का मामला, पीड़ित ने कहा बदमाश करीब 3 घंटे तक पीटते हुए गाड़ी में घुमाते रहे। बूंदी में पुलिस प्रशासन और संस्थाओं की पहल, बालिग बेटियों को जिस्म परोशी के दलदल में धकेलने से बचाने का उठाया बीड़ा। भरतपुर में जिला व्यापार महासंघ का 34वां स्थापना दिवस हुआ आयोजित, कार्यक्रम में पूरे राजस्थान के व्यापारियों ने लिया भाग। डिग्री विवाद के बाद कुलपति देव स्वरूप ने लॉ यूनिवर्सिटी कुलपति पद से दिया इस्तीफा, देव स्वरूप की LLB डिग्री को लेकर हुआ था विवाद। जयपुर में गुंडागर्दी कर दहशत फैलाने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, गुंडागर्दी कर रेस्टोरेंट संचालक से की थी मारपीट। उदयपुर के सेक्टर 14 स्थित बालिका सुधार गृह में लड़कियों की सौदेबाजी का मामला आया सामने, CWC की टीम ने शुरू की मामले की जांच। सीकर के उदयपुरा गांव में कुएं में शव मिलने के मामले का पुलिस ने किया पर्दाफाश, मृतक की पत्नी और छोटा भाई गिरफ्तार। कोटा में निर्माणाधीन बोरखेड़ा फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा टला, क्रेन का तार टूटने से भारी भरकम सीमेंटेड लेंटर नीचे गिरा। बाड़मेर में जिला अस्पताल के पास सड़क पर तेल फैलने से हादसा, 20 से अधिक बाइक सवार फिसलकर गिरे। उदयपुर में बदमाशों ने मंदिर में बोला धावा, चामुंडा माता मंदिर से सोने चांदी के आभूषण लेकर हुए फरार। परबत्सर में मंगलाना टोल नाके पर जानलेवा हमला करने के मामले में कार्रवाई, 14 आरोपी गिरफ्तार। श्रीगंगानगर में हत्या के बाद शव जलाने के मामले का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी पति पत्नी अरेस्ट। सवाईमाधोपुर में पीपलदा टेलीफोन एक्सचेंज में भी चोरी की वारदात हुई, चोर कार्यालय भवन की खिड़की तोड़कर 12 बैटरी सेल चोरी कर ले गए। बारा के रिलावन में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर के चौमू में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जैसलमेर से पोखरण की तरफ जा रहा ट्रक टायर फटने से पलटा, हालांकि ट्रक पलटने से कोई जनहानि नहीं हुई। नागौर के परबत्सर में पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी में तोड़फोड़ मामले में 14 लोगों को किया गिरफ्तार, 4 को मंगलाना, 10 को डीडवाना से किया गिरफ्तार। प्रदेश में सर्दी का अटैक, शेखावाटी में शीतलहर के आसार तो कुछ इलाकों में कोहरे की दिख रही चादर। रोहित शर्मा के बाद नवदीप सैनी भी बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर, BCCI ने कंफर्म किया। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा का जन्मदिन आज, सोशल मीडिया पर लगा बधाइयों का तांता। तेलुगु एक्ट्रेस समंथा और रूथ प्रभु ने कई बॉलीवुड फिल्मों से किया बैकआउट, बीमारी के चलते लिया फैसला। फीफा 2022 क्लोजिंग सेरेमनी के बाद नोरा हुई इमोशनल, वीडियो शेयर कर जाहिर की खुशी।